Assalamualaikum. My name is Aqib and I am a freelance web developer. आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम वेबसाइट में कॉल फीचर डाल सकते हैं विद यूजिंग थर्ड पार्टी API लाइक अगोरा। सो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने एक वेबसाइट ओपन की हुई है agora.io। ये एक प्लेटफॉर्म है जो हमें कॉल फीचर्स वाली API प्रोवाइड करता है। अगर हम इनकी प्रोडक्ट लिस्ट में देखें तो वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, लाइव स्ट्रीमिंग और वीडियो स्ट्रीमिंग, रियल टाइम मैसेजिंग एंड रिकॉर्डिंग, ये इनके प्रोडक्ट्स हैं। और इसमें से जो हम यूज़ करेंगे वो है वॉइस कॉल और वीडियो कॉल। मोस्टली वेबसाइट्स में हमें यूज़ करनी पड़ती है, लाइक जिस तरह अभी फेसबुक में भी कॉल फीचर है और बहुत सारी ऐसी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स हैं जिनमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हमें ये चीज़ मिल नहीं रही होती समटाइम। तो अगोरा हमें ऐसी API प्रोवाइड करता है जिनको हम यूज़ करके इजीली ये वाला फीचर अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हम अगोरा को यूज़ कर सकते हैं। जो आज की वीडियो है वो सिर्फ ओवरव्यू होगा कि हम किस तरह से अगोरा के जो SDK हैं, वेब SDK, हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने इस लिंक पर जाना है, ये वाला लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। आप वहां से जाकर और डाउनलोड पर क्लिक करना है, वीडियो SDK पर डाउनलोड पर क्लिक करना है, वेब इस पर क्लिक करना है। ये मेरे पास डाउनलोड हो गया है, डाउनलोड हो गया। अब इसको मैं अपने किसी फोल्डर में रख लेता हूं, इसको मैं यहां से कट कर लेता हूं और मैं अपने HTDocs में एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूं, XAMPP HTDocs। यहाँ पर मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, उसका नाम मैं रख देता हूँ Agora SDK। ओके, इसमें मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये एक इनकी बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड एग्जांपल है, इसको हम और रिव्यू करेंगे कि ये कैसे काम कर रही है, ठीक है। इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं फाइल्स को। ओके सो ये हमारे पास इसकी जो फाइल्स हैं वो फाइल्स आ गई हैं और इसको हम अब डिलीट कर देते हैं। ओके, अब हमारे पास फोल्डर बन गया है, अब हमने इसको एक्सेस करते हैं। अगर आप लोकल पे इसको आप टेस्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपके पास लाइव सर्वर का होना बहुत जरूरी है, सही। अगर आप इसको ऑनलाइन टेस्ट कर रहे हैं तो आपकी वेबसाइट पर SSL होना बहुत मस्ट है, HTTPS। ओके, सो इसको हम फिलहाल लोकली टेस्ट करते हैं। ओके, सो आपने इस लिंक पर जाना है। अगर आपको पता है कि लोकल सर्वर कैसे इंस्टॉल करना, अगर नहीं पता तो आप इस लिंक पर जाएं, ये लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर बॉटम में आपको एक रन प्रोजेक्ट के नाम से एक सेक्शन मिलेगा, उसमें जो इन्होंने पहली कमांड दी हुई है npm i live server, इसको ये इंस्टॉल करने के लिए है ये वाली कमांड, और ये कमांड रन करने के लिए है live server space dot। ओके, अब मैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ और मैं उस डायरेक्टरी में चला जाता हूँ जहां पर हम काम कर रहे हैं, cd/htdocs/agora/sdk। ओके, अब हम उस डायरेक्टरी में आ गए हैं। अब हम यहाँ पर, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है लोकल सर्वर, तो इसको मैं यहाँ पर रन कर लेता हूँ live-server/space. ओके, अब ये रन हो गया जी। ओके, ये उनकी बाय डिफॉल्ट एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पर जो आपको एक चीज़ें डालनी है टेस्टिंग के लिए, वो आप अपनी ऐप ID डालनी है और चैनल नेम और टोकन। यहाँ पर जो चैनल नेम है, जब आप इसको प्रोडक्शन लेवल पर यूज़ करते हैं तो वहाँ पर ये चैनल नेम डायनेमिक जनरेट हो रहे होते हैं, ठीक है। हर आप यूज़र के लिए अलग चैनल नेम बना सकते हैं और टोकन भी, सही है। अभी के लिए हम टेस्टिंग के लिए हम टेम्प्रेरी टोकन यूज़ करेंगे और चैनल नेम भी। ओके, ऐप ID भी हम अगोरा से ही लेंगे, ठीक है। ओके, अब जाना है आपने अगोरा के जो प्लेटफॉर्म है उसमें लॉग इन होना है आपने। इन फ्यूचर हम इसको और भी सीखेंगे कि किस तरह से हम अपनी PHP वेबसाइट में इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। फिलहाल
फिलहाल इस वीडियो में हम सिर्फ और रिव्यू कर रहे हैं कि अगोरा कैसे काम करता है। ओके सो मैं साथ में इधर टेक्स्ट एडिटर में उस वेबसाइट को ओपन भी कर लेता हूं। ये हमारी इंडेक्स फाइल है जो अभी चल रही है लाइक लोकल सर्वर पर। सो इसको हम डीपली देखते जाएंगे, ठीक है। सो अगोरा भी ओपन हो गया है, इस पर हम लॉगिन हो जाते हैं। यहाँ से हम अपनी एक ऐप आईडी और एक टेम्परेरी टोकन नेम और चैनल जनरेट करेंगे यहाँ से। ओके ये मेरा इंटरनेट स्लो है। ओके अभी हम अगोरा का जो कंसोल है उसमें आ गए। तो इसमें आप देखेंगे कि आप जाएंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, यहाँ से आप अपनी ऐप आईडी को कॉपी कर लेंगे। सही, ऐप आईडी कॉपी होगी। अब आपने इसको इंसर्ट करना है इधर। ओके अब चैनल नेम और टेम्परेरी टोकन कहाँ से जनरेट करेंगे हम, उसके लिए आप जाएंगे, ये इस पर नज़र आ रहा है, ये की का ऑप्शन बना हुआ है, टेम्प टोकन फॉर ऑडियो वीडियो कॉल, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप कोई भी चैनल नेम दे सकते हैं, जिसके जो फॉर एग्जांपल अगोरा SDK, ये मेरा चैनल नेम है, उस पर क्लिक करेंगे जनरेट टोकन। ये टोकन जनरेट हो गया। अब हम इसको बाद में देखेंगे कि किस तरह से हम इसको डायनामिकली जनरेट कर सकते हैं इन PHP, इनकी लाइब्रेरीज हैं। ओके सो चैनल नेम यहाँ पर हमने अपना टोकन पेश कर दिया और हमने अपना चैनल नेम भी पेश कर दिया। ओके अब अगर मैं ज्वाइन पर क्लिक करूँगा तो ये मेरी स्ट्रीम पब्लिश हो जाएगी। यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट वीडियो में कि ज्वाइन क्या है, स्ट्रीम पब्लिश क्या है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। सिंपली अब इसका ओवरव्यू कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं ज्वाइन पर क्लिक करूंगा, सही है, ये मैं ज्वाइन पर, ये मेरी स्ट्रीम हो गई है ऑनलाइन, ठीक है। अब कोई भी बंदा इस लिंक को, मींस के इस टोकन को यूज करके और इस चैनल नेम को, वो मेरे साथ कॉल पे बात कर सकता है जब तक कि मैंने लीव नहीं किया, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसको एक दूसरे टैब में ओपन करता हूं और वहां पर मैं सेम डिटेल्स एंटर करता हूं, ऐप आईडी, चैनल नेम, ओके, अब अगर मैं यहां पर ज्वाइन पर क्लिक करूंगा तो ये दो स्ट्रीम हो रही है। क्या 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 क्या? आपको शो के बाद आ रही होगी, मींस के अब दो स्ट्रीम कनेक्टेड हो गई है इस टोकन के साथ। जैसा कि आपने देखा कि दो स्ट्रीम एक टोकन के साथ लिंक हो गई हैं, मींस के वो बात कर सकते हैं जब तक के वो ज्वाइन ना करें, ठीक है। अब इसके एडवांस सेटिंग में भी है कि UID क्या है और ये चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा था कि हम किस तरह से अगोरा को यूज़ कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि इस के कौन कौन से इवेंट्स हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें वेबसाइट में हमें हेल्प करेंगी। ओके अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई YouTube चैनल एंड सपोर्ट मी, थैंक यू।